हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइम पीरियड्स ऑफ इम्पोर्टेंट इंडियन एम्पायर्स, मीन्स जो हमारे इंडिया के महान शासक थे उनका क्या क्या टाइम पीरियड रहा है, मतलब उनका शासन कब कब तक चला है वो देखने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला मौर्य एम्पायर, तो जिनका शासनकाल रहा है 322 मतलब 322 से लेके 185 BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, मतलब क्या होता है हमारा ईसा पूर्व। उसके बाद माय डियर क्या है गुप्त एम्पायर, गुप्त एम्पायर का कहाँ से रहा है तो हमारा 320 से 550 मतलब 320 से 550 AD मतलब कि आफ्टर। उसके बाद हमारा क्या है मुगल एम्पायर था जिनका 1526 से लेके 1857 ईस्वी तक। फिर हमारा क्या था चोला एम्पायर का कितना था 301 BC से लेके 1579 AD तक। चालुक्या एम्पायर का था 543 AD से 1156 AD तक। मराठा एम्पायर का कार्यकाल जो था वो 1674 से 1820। विजयनगर का जो एम्पायर था वो 1336 से 1646 तक रहा। आगे देखेंगे माय डियर, तो हमारा जो खिलजी एम्पायर था वो 1290 से लेके 1320 AD तक। जो ब्रिटिश एम्पायर था 1858 से 1947 तक। जो हमारा पाला एम्पायर था वो 750 से लेके 1174 CE तक। कुशन पीरियड जो था हमारा वो 30 से लेके 375 AD तक। तुगलक डायनेस्टी जो था वो 1320 से लेके 1414 तक। इंडो ग्रीक्स किंगडम जो था वो 180 BC 180 BC से 1080 तक। सातवाहन जो डायनेस्टी था वो 230 BC से 199 AD तक। तो ये था माय डियर क्या हमारा जो टाइम पीरियड था किसका, जो हमारे इम्पोर्टेंट इंडियन एम्पायर जो शासक हुए हैं उनका। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे ऐसी एक नए वीडियो के साथ, तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों से और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।